हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर सिक्स के, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी सिनेमा, उसका अध्ययन, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। इसमें हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे, आपको फिल्म का अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अब देखिए गाइस, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन विद आंसर है, जो कि आपके पेपर में आप कह सकते हैं इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। 28 पेज की पीडीएफ पे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए, ज़्यादा पीडीएफ नहीं, आप आराम से इसे पढ़ के समझ सकते हो, पेपर में आंसर लिख सकते हैं। तो एक बार अगर इस सारी क्लासेस की वीडियो देख लीजिएगा। ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है 7, इससे पहले हमने 6 क्लासेस अपलोड कर दी, तो सबकी आपको वीडियो देख के जानी है। अगर आपने वीडियो भी देख लिया प्लस आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया, तो आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बनेंगे आंसर के साथ। तो जो हम इस वीडियो का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन कराया था, तो वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, मदर इंडिया फिल्म की समीक्षा कीजिए। नई तकनीकी और सिनेमा में संभावना चुनौतियों के दौर में फिल्म मदर इंडिया की समीक्षा कीजिए। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो कि ये फिल्म है इसके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। फिल्म क्या है, फिल्म के बारे में आप सभी को पता ही होगा। अगर आपको देखो सबसे अच्छा याद करने का तरीका चाहिए ना इसको, तो इसकी चार फिल्मों के बारे में देखिए। एक तो दीवाल, एक पीके, एक मदर इंडिया, एक मुगले आजम, ये चार फिल्में। चारों में से आपके पेपर में सिर्फ दो फिल्मों के बारे में पूछा जाएगा, चार फिल्में से दो के बारे में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आप इन चारों फिल्मों को अच्छे से देख लीजिए यूट्यूब पर, जिससे आपको देखो एक बार फिल्म देख ली पूरी स्टोरी पता चल गई, फिल्म में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हुई, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर क्वेश्चन में आता है, तो आप वो फिल्म के बारे में लिख सकते हैं अच्छे से, इजी पॉइंट में लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर भी वही बताया गया कि फिल्म कैसे स्टार्ट हुई, फिल्म में क्या क्या हुआ था, फिल्म का डी एंड कैसे हुआ, तो यही लिखना है। जो कि आप अगर कोई फिल्म देखते हैं उसमें जो कहानी बताई जाती है वही यहाँ पर लिखी गई है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए इस कहानी में देखते हैं क्या क्या आपको बताया गया। इसमें देखिए, एक राधा नाम की जो महिला होती है, जो गरीब घर में एक शादी करके आ जाती है, उनके दो बच्चे भी होते हैं और वो बड़े होते हैं, तो एक डाकू बन जाता है, एक शरीफ रहता है। जो डाकू बनता है तो राधा उसे अपने हाथों से गोली मार के अपने बेटे की हत्या कर देती है, जिसके कारण वो पूरे गाँव में फेमस हो जाती है। वो एक माँ के रूप में पूजनीय हो जाती है कि उन्होंने गलत के लिए अपना संघर्ष किया। तो पूरी कहानी इसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक बार हम पढ़ेंगे तो जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, उत्तर में मदर इंडिया में बनी भारतीय फिल्म है, जिसे महबूब खान द्वारा लिखा है और निर्देशित किया गया है। तो ये फिल्म किसके द्वारा बनाया गया, इनके द्वारा बनाया गया और इनके द्वारा ही निर्देशित किया गया, आपको याद रखना है। फिल्म में सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिका में है, मतलब कि ये तीन लोग कह सकते हैं कि मेन रोल इन्हीं का है। फिल्म महबूब खान द्वारा निर्मित औरत का रीमेक है। ये गरीबी से पीड़ित गांव में रहने वाली औरत राधा की कहानी है, जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करने और बुरे जागीरदारों से बचने की मेहनत करती है। तो ये जो फिल्म है क्या है, ये राधा नाम की जो महिला है उसके लिए फिल्म बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग पूरी फिल्म है। उसमें जो है ना कि जैसे कि एक जो सेठ कहते हैं, जैसे कि वो गांव का मुखिया नहीं होता है, सेठ होता है, जिनके पास ज़्यादा जमीन जायदाद होते हैं, पैसे होते हैं, वो राधा के पीछे पड़ा होता है कि मेरे से शादी कर लो, उसे टॉर्चर करता रहता है, उनके बच्चों को टॉर्चर करता है। तो वही है, गरीबी के कारण वो परेशान हुआ, राधा अपने बच्चों का पालन पोषण अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए करती है, ठीक है। उनकी मेहनत और लगन के बावजूद वही एक देवी स्वरूप उदाहरण पेश करती है, तो मतलब वो अपनी मेहनत और लगन से आप एक देवी का रूप उनको मिलता है लास्ट में उदाहरण के लिए। वह भारतीय नारी की परिभाषा स्थापित करती है कि मतलब एक भारतीय नारी कैसी होती है, उसकी परिभाषा वो देती है, और फिर अंत में भले के लिए अपने गुंडे बेटे को स्वयं मार देती है। तो अंत में क्या होता है कि वो अपना उसका बेटा जो एक होता है गुंडा बन जाता है, जिसे वो स्वयं गोली मार देती है। वह आज़ादी के बाद भारत के को सबके सामने रखती है। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एक स्त्री अपने मान सम्मान के लिए कैसे लड़ी है, अपने समाज के लिए अपने गलत व्यवहार के अकॉर्डिंग उसके बेटा जो था उसको कैसे जान से मार के गांव की बेटी की रक्षा की है, उसमें ये बताया जा रहा है। तो ये एक माता के रूप में, जैसे आप राधा माँ के रूप में इसको पूजनीय मिल गया है इनको, तो ठीक है, ये आपकी पूरी कहानी इसी के अकॉर्डिंग है। एक एक करके पॉइंट देखेंगे।
यह फिल्म अब तक बनी सबसे बॉक्स ऑफिस हिट भारतीय फिल्म में गिनी जाती है, और अब तक की भारत की सबसे बढ़िया फिल्म गिनी जाती है। मतलब सबसे बढ़िया फिल्म की बात की जाए ना तो यही है। इसे 1146 में तीसरे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के नवाजा गया था। मतलब इसके इसको ना तीसरे नंबर पर, इससे पहले भी दो फिल्मों को इम्पोर्टेंट दिया होगा, ये तीसरे नंबर पर आती है, तो जो इसको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1146 में तीसरे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय, ये तो हो गया गाइस यहाँ से। मदर इंडिया, किस्मत, मुगली आजम और शोले के साथ उन चुनिंदा फिल्मों में आती है जिन्हें आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। जो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मदर इंडिया फिल्म है उनकी जो किस्मत है ना, जैसे शोले फिल्म था, मुगले आजम था, इनके साथ गिनी जाती है और लोग इसे आज के टाइम में देखना पसंद भी करते हैं। और ये हिंदी सांस्कृतिक फिल्मों की श्रेणी में विराजमान है। मतलब जो हिंदी संस्कृति की फिल्में होती हैं उसमें देखा जाता है। ये फिल्म भारत की ओर से पहली बार पुरस्कारों के लिए भेजी गई थी। मतलब कह सकते हैं कि जो भारत की ओर से पहली बार ये जो फिल्म है ना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भेजी गई थी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर आपको संक्षेप में क्या बताया जाएगा, ये पूरी कहानी बताई जाएगी, 4 पॉइंट के अंदर में पूरी कहानी क्या है। तो देखिए, फिल्म की शुरुआत वर्तमान काल के गाँव के लिए एक पानी की नहर के पूरे होने से होती है। राधा गांव की माँ के रूप में नहर के उद्घाटन करती है और अपने भूतकाल पर नज़र डालती है जब वहाँ एक नई दुल्हन थी। तो फिल्म संक्षेप में क्या है, जो फिल्म की शुरुआत कैसे होती है कि जो कि एक नहर, जो ये राधा नाम की, ये ओल्ड हो जाती है, एकदम बूढ़ी हो जाती है, जो कि नहर खोलती है, नहीं के हाथों से खुलवाया जाता है। तो वो नहर खोलती है ना, उसके समय में वो अपने पिछले, जो कह सकते हैं आप, भूतकाल में वो नज़र डालती है कि जब वो एक नई दुल्हन बन के इस गाँव में आई थी तो उसका कैसे उसका दिन बीता उस टाइम में। तो देखिए, राधा और शंभू, राजकुमार की शादी का खर्चा राधा की सास ने सुखीलाल से उधार लेकर उठाया था। मतलब कि जो राधा और उसके पति, मतलब शंभू नाम था, उन दोनों की जो शादी हुई थी ना, तो जो खर्चे होते हैं ना शादी ब्याह में, तो उसकी सास जो थी वो सुखीलाल, जो लाला है, गांव का कह सकते हैं सेठ है, तो उनसे उधार खर्च लेके जो उनकी शादी कराई थी। ठीक है, तो इसके कारण गरीबी और मेहनत के सभी कभी ना ख़त्म होने वाले चक्रव्यूह में राधा फंस जाती है। मतलब जो गरीबी है, ये जो मेहनत है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली चक्रव्यूह में वो राधा फंस जाती है। उधार की शर्त विवाद स्पष्ट होती है, मतलब कि बहुत ही बेकार होती है, मतलब झगड़ा लड़ाई वाली कह सकते हैं उधार की जो शर्त होती है। परंतु गांव के सरपंच सुखीलाला के हित में फैसला सुनाते हैं, मतलब कि जो सुखीलाला कहता है उसी के अकॉर्डिंग फैसला सुनाते हैं गाँव के सरपंच, जिसके तहत शंभू और राधा को अपनी फसल का एक तिहाई हिस्सा सुखीलाल को और 500 के ब्याज के तौर पर देना था। मतलब उसका जो ब्याज कितना हो रहा था, 500 हो रहा था, मतलब कि 4 हिस्सा है खेत का। तो यहाँ क्या जा रहा है, 3 उसको देना, 1 ही अपने पास रखना है, तो 1 में किसी का क्या गुजारा होगा, कैसे खाएगा पिएगा अगर 3 हिस्सा दे ही दे रहा है। तो यही था, इसके आगे देखते हैं। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए शंभू अपनी जमीन और जुताई करने की कोशिश करता है। तो जो कहते हैं अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए, जो राधा का पति शंभू होता है, दिन रात मेहनत करके जो क्या कहते हैं, जो अपनी ज़मीन पर जुताई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, परंतु एक पत्थर तले उसके दोनों हाथ कुचल जाते हैं। और बेचारे का किस्मत ऐसे देखी कि जो खेती करते टाइम की उसके जो एक पत्थर उसके सामने आ जाता है, जिससे उसके हाथों को कुचल दिया जाता है, मतलब कुचल जाता है, मतलब दोनों हाथ उसके बेकार हो जाते, कट जाते हैं। अपनी मजबूरी से शर्मिंदा हुए औरों द्वारा बेइज्जती के कारण वे फैसला करता है कि वे अपने परिवार के किसी भी काम का नहीं है, उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जल्दी राधा की सास भी गुजर जाती है। तो देखो, बेचारे का हाथ कट गया, तो उसके कारण पूरे गांव के लोग उसका मजाक बनाते थे, प्लस वो शर्मिंदा हो चुका था कि अपने घर परिवार के किसी भी काम के नहीं, तो शर्मिंदे के कारण आधी रात को वो ना चोरों की तरह उस गाँव को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने माँ बेटे को छोड़ के वो भग जाता है। ठीक है, तो यही होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो राधा की सास होती है वो भी बेचारी मर जाती है। तो उसके जो राधा के 3 बच्चे होते हैं टोटल, तो 3 में से 1 बच्चा भी बेचारा मर जाता है। तो देखिए, राधा अपने दोनों बेटों के साथ खेतों में काम करना जारी रखती है और एक और बेटे को जन्म देती। तो राधा के पास पहले से 2 बेटे थे, एक बेटा पेट में था, जो कि उसके पति के भाग जाने के बाद वो एक और बेटे को जन्म देती है।
सुखीलाल उसे अपनी गरीबी दूर करने के लिए खुद से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, पर राधा खुद को बेचने से इनकार कर देती है। तो जो उस सुखीलाल था जो क्या कहता है कि राधा को कि तुम मुझसे शादी कर लो, वो एक बुढ़ा आदमी था, कम से कम वो 70-60 साल का होगा, कहता है कि मुझसे शादी कर लो और तुम अपने खुश रहोगे, अपनी गरीबी को दूर कर लोगे, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन राधा क्या करती है, उस प्रस्ताव को इनकार कर देती है, वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती है। पर राधा खुद को बेचने से इनकार कर देती है। एक तूफान गांव को अपनी चपेट में ले लेता है और सारी फसल नष्ट हो जाती है, मतलब एक आधी तूफान आता है जिसके कारण आप कह सकते हैं कि जो गांव की जो फसलें होती हैं ना पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, गांव पूरा टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। तूफान में राधा का छोटा बेटा मारा जाता है, तो छोटा बेटा जो भूख के कारण बेचारा मर जाता है। सारा गांव प्लान करने लगता है, प्लान का मतलब होता है कि मतलब वो उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाने लगते हैं सारे लोग, परंतु राधा के मनाने पर सभी रुक जाते हैं। राधा कहती है कि नहीं जाना चाहिए अपने गांव को छोड़ के, हम फिर से इसी गांव को बसाएंगे, तो सब क्या कहते हैं रुक जाते हैं, वापस गाँव को स्थापित करने की कोशिश करने लगते हैं सभी लोग। फिल्म कई साल आगे पहुंचती है, तो मतलब ऐसे ही चलता रहा, फिर फिल्म एकदम से आगे पहुंच गई जिसमें दोनों बच्चे बड़े हो गए। जब राधा के दोनों बच्चे बेटा बिरजू सुनील दत्त और रामू राजेंद्र कुमार अब बड़े हो चुके थे, मतलब ये दोनों जो हीरो हैं जो उनके बेटे के रूप में कार्य किए उन्होंने बड़े हो चुके हैं। अब बिरजू अपने बचपन में सुखीलाला के बताओ का प्रतिशोध लेने के लिए गांव की लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देता है। तो जो बिरजू में पता है क्या होती है, हिंसा की भावना होती है, वो मतलब कि जो उसकी माँ के साथ जो भी घटनाएं घटित हुई है लाला के द्वारा, तो वो क्या कहता है कि मैं इससे बदला लूँगा, इसने मेरी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया है। और वह खासकर सुखीलाला की बेटी को मतलब कि खासकर में उसकी जो सुखीलाला की बेटी उसको परेशान करता है। इसके विपरीत रामू बेहद शांत स्वभाव का है और जल्द ही शादी कर लेता है, मतलब उसका जो बड़ा बेटा होता है शांत स्वभाव का अच्छा मतलब होता है और जल्दी वो मतलब वो शादी कर लेता है अपनी। हालांकि अब वही एक पिता है और उसकी पत्नी जल्दी परिवार में मौजूद गरीबी का शिकार हो जाती है। तो जो बिरजू जो शादी कर लेता है रामू जो है शादी कर लेता है, तो उसकी जो पत्नी आती है उसी गरीब घर में रहती है और वो भी गरीबी के शिकार हो जाती है उस परिवार में शादी करने के बाद। बिरजू का गुस्सा आखिरकार खतरनाक रूप ले लेता है और उकसाने पर सुखीलाला और उसकी बेटी पर हमला कर देता है। तो जो बिरजू का गुस्सा एकदम से खतरनाक रूप लेता है, उसकी बेटी उकसाती है जिसके कारण उसी की बेटी पर हमला किया जाता है, उसे गांव से निकाल दिया जाता है, मतलब उसने गलत कार्य किया तो उसको गाँव से निकाल दिया जाता है, वह एक डाकू बन जाता है और वो आगे चल के क्या डाकू का रूप ले लेता है। सुखीलाला की बेटी की शादी के दिन वह बदला लेने वापस आता है, तो वो अपनी बेटी की शादी करता है जिस दिन वो बदला लेने आता है, और सुखीलाला को मारकर उसकी बेटी को भगा ले जाने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, सुखीलाला को जान से मार देता है गाइस, और फिर उसके बाद उसे भगा ले जाने की कोशिश करता है। जिस दादा जिसे ये वादा किया था कि बिरजू किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, तो दादा उसकी माँ थी जो ये कही थी कि मेरी बेटी की तरफ से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बिरजू को गोली मार देती, तो वो अपने बेटे को छोटे बेटे को गोली मार देती, ठीक है, जो उसकी बाहों में दम तोड़ देता और वो अपनी माँ की बाहों में कह सकते हो मर जाता है। फिल्म वर्तमान काल में राधा द्वारा नहर खोले जाने पर लाल रंग के बहते हुए पानी से समाप्त होती है, तो मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, नहर खोले जाने पर, तो मतलब वो लाल रंग के पानी से फिल्म को समाप्त कर दिया जाता है जो धीरे धीरे खेतों में पहुंच जाता है। पानी जो खेतों में धीरे धीरे पहुंच जाता है। तो ये है फिल्म की पूरी कहानी जो कि अभी हमने बताया। तो यहाँ पर पूरे फिल्म की कहानी आपको समझ में आ गई, कैसे शुरुआत हुई कैसे एंड हुआ है, ठीक है। तो ये फिल्म थी, अगर आप फिल्म को देखते तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन यही जो भी अभी हमने बताया ना यही सारी फिल्म है। अब इसके नीचे आपको कुछ पॉइंट देखने को मिल रहा है ना गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसमें देखिए आपको क्या बताया जा रहा है। इसमें वही सब है जो इससे ऊपर बताया गया कि फिल्म किसके द्वारा बनाई गई, कौन कौन से रोल है इसमें, कैसा कैसा हो औरतों के साथ अत्याचार किया गया। देखिए आपकी फिल्म कह रहे हैं एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो कि हिंदी सिनेमा में कि कोई एक फिल्म का उदाहरण देके बताइए कि जो महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार किए जाते हैं कैसे लोगों के द्वारा, तो अत्याचार के अकॉर्डिंग पॉइंट आए ना, तो ये वाले सारे पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें वही बताया जा रहा है कि राधा के संग कैसे कैसे अत्याचार हुए, आप अपने आप से भी तो बना के लिख सकते हैं ना, जैसे कि अभी आपने पॉइंट समझ लिया, आपको पता चल गया उसके साथ उसके गांव के लोगों ने उसके प्लस उसके पति ने भाग गया चोरों की तरह कायर की तरह अपनी बीवी को छोड़ के, ऐसे कोई भागता है, नहीं भागना चाहिए ना। और प्लस आपको पता ही कि जो उसके जो सुखी लाला था उसके ऊपर कैसे अत्याचार कर रहा था, उसको कैसे टॉर्चर कर रहा था शादी करने के लिए, कैसे परेशान करता है और आधी रात को उसके घर भी चला जाता है। तो ये सारी पूरी फिल्म देखोगे तो जब आपको पता चलेगा।
और वो रोटी के लिए कैसे तरस जाती है खाने पीने के लिए, उसका बेचारा भूख के मारे एक बच्चा भी मर जाता है। तो ये सारी घटनाएं जो आप लिख सकते हैं फिल्म में, फिल्म में कह रहे हैं क्वेश्चन आए तो पेपर में, तो ये क्वेश्चन था गाइस। इसके बाद देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, नई तकनीक की संभावना और चुनौतियाँ, पेपर में पूछा जाएगा तो ये आपको पॉइंट जरूर लिखना है। तो यहाँ से देखिए जितना भी अभी हमने आपको पढ़ा है ना, उतना भी अगर आपके माइंड में घुस गया ना तो गाइस उतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे, इतना याद रखिएगा ठीक है। देखिए भारत की रंगीन फिल्म का सफर किसान कन्या से आरंभ होता है। मदर इंडिया भारत में रंगीन फिल्मों की मजबूत कड़ी है। मदर इंडिया में बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियाँ देखी जा सकती है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य है जो तकनीकी संसाधनों से युक्त है। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो तकनीकी संभावना चुनौतियाँ क्या होती है, मतलब यहाँ पर इस फिल्म में बताया रंगीन फिल्म है, मतलब कलरफुल फिल्म है पहली बात तो ये, जिसके कारण आप कह सकते हैं तकनीकी मतलब कि जो इंटरनेट माध्यम के द्वारा जो नई नई चीज़ें लॉन्च होती है उसके द्वारा ही फिल्म बनाई गई थी। और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आप कह सकते हैं बहुत सारी जो तकनीकी की उपलब्धियाँ देखी जा सकती है, जैसे कि जो आपको दृश्य देखे गए, संसाधन देखे गए, जैसे बाढ़ का आना देखा गया, भारी मात्रा में पानी का बहना, बिजली का कड़कना, खेतों में हल की जगह इंसान का जुटना, पुल का उद्घाटन का दृश्य आदि तकनीकी के नए माध्यम है। तो इनके द्वारा आप कह सकते हैं नई नई तकनीकियों का विकास हुआ इन्हीं के माध्यम से हुआ ठीक है। जो फिल्म में दिखाए गए ये सारी फिल्में दिखाई गई, ये रंगीन फिल्मों का आरंभिक समय था, मतलब कि इनकी शुरुआती समय था जो कलरफुल फिल्में आने लगी थी। मदर इंडिया में तकनीकी का प्रयोग भरपूर किया गया, मतलब इसका प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया। 1957 में प्रदर्शित मदर इंडिया को हिंदी की पहली रीमेक माना जाता था। महबूब खान द्वारा ये निर्देशित औरत जो कि 1940 में प्रदर्शित हुई और रीमेक थी। मदर इंडिया पहली फिल्म है जो जिसके लिए चुना गया था, मात्र एक वोट से यह फिल्म आकाश से छू गई, मतलब एक वोट से लोगों को कह सकते हैं कि आकाश से छू गई, मतलब इसकी जो ना आकाश तक मतलब पहुंच बहुत ही लंबी हो गई इस फिल्म की। इसके तकनीकी और भावनात्मक पक्ष को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ विदेश फिल्मों की श्रेणी में निर्मित किया गया, मतलब कि जो आपको इसकी तकनीकी संभावना देखते हुए उसको विदेशी फिल्म का अवॉर्डिंग घोषित कर दिया गया था। तो गाइस यही कुछ पॉइंट है जो कि अभी आपने देखा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। आप पॉइंट को एक से दो बार अच्छे से पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन देखिए। तो आप सबसे आसान तरीका है कि आप इसकी मूवी देख लीजिए, मूवी देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक से दो बार अच्छे से पढ़िए, समझिए। दो बार अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना तो जितना भी हमने पॉइंट बताया आपके माइंड में सेट हो गया होगा, पूरी कहानी के जैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में आए तो ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।